बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। 12 अगस्त 2021 जुमेरात का दिन, आप अपना यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूँ मोहम्मद अशरफ साहिबजादा। जैकबाबाद से क्या हमें जी वॉइस मैसेज? वालेकुम डॉक्टर साहब। वाइफ साहब, डॉक्टर साहब आपने व्हाट्सएप पे कॉल करना क्यों बंद कर दी? अच्छा, एक तो आप मुझसे एक तो आप बात कर लें, व्हाट्सएप पे मंजूरी दे देंगे तो बात कर लूंगा। मेरी जान, मेरी जान, मैं बअम्रे मजबूरी ये बंद की क्योंकि मुझे डॉक्टरों ने मना किया था कि आप कॉल्स ना लिया करें, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा मगजमारी करनी पड़ती है, एक एक कॉल पे इतना इतना टाइम लग जाता है कि जहाँ मैं 2 घंटे लेता था कॉल्स, हमेशा 3 घंटे तक भी लेता रहा हूँ। 2-3 घंटे में पूरे के पूरे प्रोग्राम को 11 बनते थे या 12। अब कल की डेट में आप देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 33 या 34 34 वीडियोस बनी है, वो सिर्फ वॉइस मैसेजेस की वजह से। वॉइस मैसेज में मुझे एक तो सर नहीं खपाना पड़ता, दूसरा ये है कि मेरी तबीयत भी इतनी ज़्यादा ठीक नहीं। बाज़ औक़ात अगर बंदा जो है, अगर मेरी समझ नहीं उसको आ रही, मैं स्पेलिंग भी लिखवा रहा हूँ, हर चीज़ बता रहा हूँ, फिर भी वो नहीं लिख रहा या समझ नहीं रहा, तो फिर मेरा थोड़ा सा अमरे मैं बीमार हूँ तो मुझे फिर ज़्यादा बीपी का भी मसला हो जाता है। ये ना हो कि मैं आपके जवाब देते देते बिल्कुल ही फारिग हो जाऊँ, ख़त्म हो जाऊँ, ब्रेन हैमरेज हो जाए, मैं चला जाऊँ इस दुनिया से। तो बेहतर है कि मैं थोड़ी सी जितना जब तक ज़िंदा हूँ मैं आप लोगों की खिदमत करता रहूं। अगर आप ये खिदमत को कबूल फरमाएं तो व्हाट्सएप मैसेज कर दिया करें। आपको मेरी जान, जैकबाबाद वालों को मेरा यही एक गुजारिश है, आपको भी और जितने व्यूअर्स हैं उनको, कि खुदा के लिए वॉइस मैसेज किया करें, कॉल ना किया करें। दूसरा ये है कि व्हाट्सएप मैसेज का जवाब मैं व्हाट्सएप मैसेज पर ही दे रहा होता हूँ, लेकिन उसमें दरमियान में जब कॉल आती है तो वो सारा मैसेज वो डिलीट करना पड़ता है, वो लोगों तक पहुंचता ही नहीं है। और उससे मैं ज़्यादा इतना ज़्यादा हो जाता हूँ, बददिल होता हूँ, दिल में मेरा टूटता है कि यार मेरी सारी मेहनत को इस बंदे ने ज़ाया कर दिया। लेकिन उनको क्या पता है, वो तो दिल का चाहते हैं कि मेरे साथ बात करें। तो मेरी जान, मैं हाज़िर हूँ, मैं जब कभी आया जैकबाबाद तो मैं आपकी खिदमत में भी हाजिर हो जाऊंगा और खुल के बातें कर लेंगे, ठीक है? दुआओं में याद रखें, और जब भी वॉइस मैसेज करें जैकबाबा से या कहीं से भी कर रहे हैं, अपना नाम ज़रूर बताएं ताकि वो एक रिकॉर्ड के तौर पे रखा जाए। और दुआओं में याद रखें, और इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं एक हदीस मुबारक पर। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी मुसलमान के लिए ये बात मुनासिब नहीं है कि वो किसी मुसलमान से नाराज़ होकर उसे 3 दिन से ज़ायद अरसा के लिए छोड़ दे। मैं अबू दाऊद से कोट कर रहा हूँ, दुआओं में याद रखें। फ़ीमान अल्लाह।